आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। मैं हर्षित थैरी माउंट सिनाई यूथ मिनिस्ट्रीज का सेक्रेटरी आज इस प्रेयर मीटिंग को लीड करूंगा। और आराधना में चलने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएं और उस परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देता हूँ महान सामर्थ्य पिता इस सुंदर समय के लिए जो तूने आज दिखाया मेरे खुदा खुदा कहता हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो तूने आज दिखाया मैं प्रार्थना करता हूँ इसलिए पिता परमेश्वर ताकि हम यहाँ सब एक साथ एकत्र होने वाले हो सके। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हम सबों के लिए। पिता परमेश्वर तू हमें सभी को यहाँ पर सही सलामत लेके आया। पिता परमेश्वर राज चाचा को हम सबको पिता परमेश्वर पूरे सफर में तूने सही सलामत रखा। मैं पिता परमेश्वर आगे की पूरी प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। गीतों को गाया जाना वचन का बोया जाना पिता परमेश्वर सब तुझको कबूल होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पासवान जी के लिए वो जो भी वचन दे पिता परमेश्वर वो तेरे नाम से हमें पिता परमेश्वर हमारे दिलों में बसने वाला हो सके। पिता परमेश्वर इस पूरी प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस छोटी सी दुआ को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ आमीन आमीन। आइए हम पहला गीत गाएंगे है दी आवाज फरिश्तों ने। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे है दी आवाज फरिश्तों ने। है दी आवाज फरिश्तों ने जमीन के लोगों को उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के हरी आवाज फरिश्तों ने सभी के लोगों को उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के हरी की महिमा के लिए हम एक और गीत गाएंगे जिसके बोल हैं हालेलुया स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम गाए हम यीशु की स्तुति गाएं हम गाए हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम गाए हम यीशु की स्तुति गाएं हम। Hallelujah, hallelujah,
आइए हम इस आराधना के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा राज अंकल से कि वो अपनी मधुर आवाज में एक गीत को गाएं। थैंक यू जस्टिन। हर्षित, आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे जिसका टाइटल है उतरा उतरा। उतरा उतरा उतरा, रूहे पाक उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में हिला, गीत नया दिल में। उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 है रूह पाक
उतरा 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 आसमानी रोटी मुझको खिला दे दिल मेरे की प्यासी बुझा दे आसमानी रोटी मुझको खिला दे दिल मेरे की प्यासी बुझा दे पर पूरी कर के ना जा पर पूरी कर के ना जा उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 पाक रूआ मेरे दिल के अंदर बन जाओ मैं तेरा मंदिर पाक रूआ मेरे के अंदर बन जाओ मैं तेरा मंदिर अपने राह दिखा अपने राह दिखा उतरा 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 रूह पाक उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 हे रूह पा उतरा हम इस आराधना के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जी से कि वो आज के वचन के लिए हमारे बीच जो आज का वचन मैं आपके जीवन में बोने जा रहा हूं वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत द गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन्स चैप्टर 17 वर्स 3 और अजीजो इस वचन के पीछे मेरा ये कारण है बताने का कि परमेश्वर का वचन कितना ज्यादा जरूरी है मेरे और आपके जीवन में। कई बार मैं और आप अपने मसीही जीवन में हर एक काम को तो तवज्जो देते हैं हर एक काम को इंपॉर्टेंस देते हैं लेकिन बाइबल का पढ़ना मेरे और आपके जीवन में कई बार बहुत पीछे रह जाता है। कई बार हम उपवास में भी रहते हैं कई बार हम गीतों में भी रहते हैं कई बार हम केवल आराधना में ही लगे रहते हैं कई बार हम चर्चेस जाने में लगे रहते हैं कई बार हम अलग अलग फेसबुक यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से अलग अलग प्रचारकों को सुनने में लगे रहते हैं लेकिन अधिकतर समय हमारा बाइबल के अंदर पढ़ने के लिए नहीं निकलता या ये कह लें कि हमें नींद आती है बाइबल पढ़ते वक्त।
या ये कह ले कि हमें समय नहीं मिलता कि इस परमेश्वर के कलाम को उठाकर मैं और आप अपने हाथों में लें और इसे पढ़ने वाले बन सके। इसकी महत्वता को बताने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए आज ये वचन की शुरुआत मैं इस आयत से कर रहा हूं जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसकी 3री आयत, जहां पर कलाम का यह हिस्सा यीशु मसीह के द्वारा इस प्रकार से कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। शुरुआत इस आयत की मेरे अजीजों स्मृति से होती है कि यीशु मसीह अनंत जीवन के विषय में बता रहा है, उस अनंत जीवन के विषय में नहीं जो हमें मरने के बाद या यीशु मसीह में सोने के बाद प्राप्त होगा, वरन उस अनंत जीवन के विषय में जो मैं और आप जीवित रहते हुए भी एंजॉय कर सकते हैं। हालेलुया, कितनी अनोखी बात है कि जीवित रहते हुए भी मैं और आप अनंत जीवन को एंजॉय करें। और यहां पर शुरुआत इस रीति से है कि अनंत जीवन यह है कि वह तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, जीते जी जान ले। मैं और आप यीशु मसीह को केवल और केवल एक इस तरह से जानते हैं जैसे मुझे और आपको बचपन से सिखाया गया है कि यदि प्रॉब्लम हो तो यीशु मसीह से प्रार्थना करो, बीमारी हो तो यीशु मसीह से प्रार्थना करो, नौकरी नहीं है तो यीशु मसीह से प्रार्थना करो। केवल मकसद के लिए मुझे और आपको सिखाया जाता है बचपन से ही, मैं और आप जैसे माँ बाप ही बचपन से यीशु मसीह के विषय में सिखाते हैं कि वो परमेश्वर है जो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन मैं और केवल यीशु मसीह को जानने के साथ अगर उसको समझने लगे तो मैं और आप अनंत जीवन को समझ सकते हैं। आज मसीही जीवन में प्रचारकों के द्वारा हर बार यह समझाया जाता है कि यीशु मसीह को जानना, समझना और फिर उसके पीछे चलना कितना ज्यादा जरूरी है, और अगर आप उसको जानने और समझने के लिए बाइबल के अलावा हर एक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे अजीजों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमी है, क्योंकि ये बाइबल ही एक ऐसा मात्र जरिया है जो मुझे और आपको यीशु मसीह को समझने के लिए, उसको जानने के लिए सबसे बेहतर जरिया है। और जब तक मैं और आप इस वचन के अंदर अपने समय को नहीं बिताएंगे तब तक मैं और आप यीशु मसीह को और उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। वचन का यह हिस्सा यीशु मसीह के द्वारा कहता है कि यीशु मसीह को जानना जीते जी अनंत जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। और अजीजों यही नहीं, अगर मैं आपके बीच में पढूं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 और वर्स 13 देखिए, वहां पर किस प्रकार से खुले शब्दों में यीशु मसीह और वचन के विषय में बताती है, या इस प्रकार से लिखा है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 13, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यहां पर बताया गया है कि किस रीति से लहू का वस्त्र पहने हुए वो मेमना जो मेरे और आपके लिए वध किया गया, जो मेरे और आपकी आजादी के लिए वध किया गया, जो मेरे और आपके अनंत जीवन के लिए वध किया गया, जिसके लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से यूहन्ना ये बोल रहा है कि वह अनंत जीवन का वस्त्र पहने हुए, वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए जो मेमना है वह और कोई नहीं है, वो क्या है, परमेश्वर का वचन, वो वचन जिसके लिए उत्पत्ति पहले अध्याय में लिखा गया है कि वह और परमेश्वर और वचन तीनों एक थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की पहली दो आयतों में क्या लिखा है, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन ही है जो परमेश्वर ने अपने मुख से बोला गया और पवित्र आत्मा की अगुवाई से मेरे और आपके हाथ में आज बाइबल के रूप में मौजूद है। लेकिन मैं और आप यीशु मसीह को जानने के लिए सारे सोर्सेज और रिसोर्सेज को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बाइबल के पढ़ने में ही मैं और आप कहीं ना कहीं पीछे हैं। चर्चेज में जाते हैं, यहां संगति के लिए आए हैं, कितने लोगों के हाथ में बाइबल है वो मैं बेहतरता से देख सकता हूं। ये बाइबल कैरी करना ही मेरे और आपके लिए कितनी बड़ी बात है। हमें शर्म आती है कई बार मेरे अजीजों कि बाइबल को साथ में लेकर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, जबकि यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि अगर तुझे मेरे विषय में जानना है तो वो क्या है, सबसे बेहतर जरिया क्या है, वचन। वचन स्वयं कह रहा है कि अगर यीशु मसीह और अद्वैत परमेश्वर के विषय में जानना है तो वो कौन है, मेरे ही द्वारा जान सकता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसकी 13वीं आयत इस रीति से कहती है। और अजीजों आज मसीही बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ने में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उनको एक्साइटमेंट नहीं होता, आराधना करने में एक्साइटमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में
एक्साइटमेंट होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम करने में एक्साइटमेंट होता है, यूथ कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार में जाने के लिए एक्साइटमेंट होता है ना। क्रिश्चियन लोगों को बड़े बड़े चर्चेस का हिस्सा बनने में एक्साइटमेंट होता है, कॉमन फेसेस से मिलने में एक्साइटमेंट होता है, लेकिन बाइबल पढ़ने में मुझे और आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है। इसी कारण से मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, आज मैं और आप परमेश्वर के वचन से क्या है, दूर है। और जब मैं और आप परमेश्वर के वचन से दूर हैं, तो क्या मैं और आप उस जीवित परमेश्वर के विषय में वचन से हटकर कोई और रिसोर्स या सोर्स से सच्चाई से जान सकते हैं? आज ये समय है कि मैं और आप ये समझ लें, आने वाली पीढ़ी को समझा दें, अपने बच्चों को समझा दें कि बाइबल एक ऐसा मात्र जरिया है जिसके जरिए से मैं और आप परमेश्वर को नजदीकी से जान सकते हैं। और आज बाइबल में ना रहने के कारण, बाकी इसके अलावा हर एक चीजों में रहने के कारण, कहीं ना कहीं हम और आप अपने आत्मिक जीवन में बैकस्लाइड हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन से बेहतर किसी और बात से हमसे बातचीत नहीं करता। हमें लगता है कि हम फेसबुक पर कोई रील देख रहे हैं, परमेश्वर ने हमसे बात की, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर ने हमसे बात की। इससे बेहतर जरिया यह है कि जब हम परमेश्वर के वचन को खोलकर बैठेंगे तो परमेश्वर हमसे आमने सामने बातचीत करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों 4:12 के अनुसार इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवता प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से चोखा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार छेदता और सबके विचारों को और हमारे विचारों को जांचता है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है, जीवता है, वो बातचीत करने में सक्षम है, वो बातचीत करने में प्रबल है, वो बातचीत करने में चोखी तलवार से भी ज्यादा शार्प है, चोखा है, और कहीं ना कहीं वो मुझे अंदर से कचोड़ता है कि देख परमेश्वर का वचन इस रीति से कह रहा है लेकिन तू कुछ और करने में लग रहा है। और अजीजो, मुसीबत की बात यह है कि आज मेरे और आपके पास समय नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ बैठकर उस जीवित सच्चे खुदावंद के साथ बातचीत कर सके। आज मेरे और आपके पास ना समय है, ना इंटरेस्ट है, ना एक्साइटमेंट है। और अगर जो पास्टर्स बाइबल लाने के लिए बोलते हैं उन पास्टर्स को अवॉइड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आजकल फोन्स और लैपटॉप्स और टैबलेट्स हम लोग यूज करते हैं। उसको यूज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन केवल उसी को यूज करते रहना और वहां से रिसोर्सेज को और सोर्सेज को जनरेट करते रहना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हाथ में संपूर्ण बाइबल के रूप में वचन दिया है, आप और मैं इसको पढ़ना सीखें। और यही नहीं, अगर हम 19वें अध्याय प्रकाशित वाक्य की 19वें अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत को ध्यान से पढ़ें, बल्कि 13वीं आयत को ध्यान से पढ़ें, तो लिखा है वे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, कौन? मेमना। और वो मेमना कौन है? यीशु मसीह नासरी। और यीशु मसीह नासरी ने लहू क्यों छिड़का है उसके ऊपर? उसने अपने लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध कर दिया। और जब उसने हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध कर दिया और वह स्वयं उतर आया एक परमेश्वर के मुख के द्वारा, जो उसने वचन बोला था, वो वचन साक्षात यीशु मसीह के रूप में उतर आया, और उसी के पवित्र आत्मा से जो लिखा गया, लिखी गई बातें हैं, वो आपके हाथ में आज पाई जाती हैं। दूसरा तिमोथियस 3:16 ये कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से रचा गया है, और ये पवित्र आत्मा वही है जो स्वयं यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक आत्मिक सहायक करके भेजी है। वचन बताता है कि पवित्र आत्मा एक सहायक मेरे और आपके लिए भेजा गया है। उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई से नाना प्रकार के लोगों से परमेश्वर ने वचन को लिखवाया, और जब हम परमेश्वर के मुख के निकले वचन से, जिससे यीशु साक्षात उस स्वर्गीय राज में हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देख पड़ा, और उसी की पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये वचन लिखा है, तो आप सोच के देखिए कितना क्लोजली रिलेटेड होगा ये परमेश्वर के साथ। अगर यीशु, सोच के देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर यीशु मसीह परमेश्वर का वो वचन है जो उसने अपने मुख से बोला, और साक्षात यीशु मसीह के रूप में पवित्र आत्मा की अगुवाई से यूहन्ना ने वो देखा, और ये यीशु मसीह के द्वारा ही भेजा गया पवित्र आत्मा एक सहायक है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों की बात समझ में आई? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के मुख का निकला एक वचन जो प्रूव हुआ। यीशु मसीह ने मेरे और आपकी सपोर्ट के लिए क्या भेजा है?
पवित्र आत्मा। ये समझ में आया कनेक्शन कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा एक है, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह पवित्र आत्मा एक है। कितनों को समझ में आया? आया? अब ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो आपके हाथ में बाइबल दी गई है, क्या गई है? लिखी गई है। तो इसका मतलब जो अगुवाई से लिखा गया है ये वचन और वो स्वयं यीशु मसीह क्या हुए? इंटर रिलेटेड। क्यों? किसके जरिए? पवित्र आत्मा के जरिए। तो कहने का तात्पर्य जो बाइबल मेरे और आपके हाथ में है ये स्वयं परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर लिखी गई है और हम इसी को वैल्यू कई बार नहीं देते। क्यों नहीं देते? पढ़ते ही नहीं। और क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। कितने लोग अग्री करते हैं हमारे पास समय नहीं है? कितना टाइम हम लोग बाइबल पढ़ने में निकालते हैं? कितने मिनट पढ़ते हैं हम लोग बाइबल दिन में? 15 मिनट 20 मिनट। और फिर हम बड़े बड़े उपवासों में जाते हैं, बड़ी बड़ी चर्चेज में जाते हैं और वहां पर चिल्ला चिल्ला कर पुकारते हैं हालेलुया। जब हम बेसिक को ही नहीं समझ पा रहे हैं, जब हम एक बेसिक सी चीज नहीं समझ पा रहे हैं, तो कैसे हम अपने आत्मिक जीवन में सतर्कता के साथ आगे बढ़ेंगे? कितने लोगों को समझ आई मेरी ये बात? जब हम बेसिक बात मतलब बाइबल की बात को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम अपने आत्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह को जानना जरूरी है और यीशु मसीह को जानने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? बाइबल। और यही नहीं, अगर मैं और आप इस बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, तो यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत देखिए क्या पढ़ती, क्या बोलती है। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 देखिए क्या बोलती है। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 की व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित से ना उतरने पाए। पुराने नियम में यहोशू इसराइलियों को क्या बोलता है देखिए कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित से कभी उतर ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। यह व्यवस्था की पुस्तक यहोशू के लिए ऑर्डर था परमेश्वर की ओर से कि उस दौरान जो व्यवस्था की पुस्तक लिखी गई थी, उस दौरान जो व्यवस्था की बातें लिखी गई थी, वो उसके चित से कभी ना उतरने पाए। क्योंकि यदि वो उसको अपने चित में गड़ा कर रखता, यदि वो उसको अपने मन में बैठा कर रखता, तो उसके सारे काम क्या होते? सफल होते और वो अति प्रभावशाली होते। लेकिन ये व्यवस्था की बातें, ये व्यवस्था का वचन क्या मेरे और आपके दिल में, क्या दिमाग में, क्या कान तक में नहीं है? क्योंकि मेरे और आपके पास बाइबल पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं है। अजीजों, आज वचन प्रचार करने का मेरा कारण ये है कि मैं आप लोगों को परमेश्वर के कलाम की इंपॉर्टेंस को समझा सकूं। और जब परमेश्वर के कलाम की इंपॉर्टेंस को मैं और आप समझेंगे, तब समझ पाएंगे व्यवस्था की बातें मेरे और आपके जीवन के लिए कितनी जरूरी है। जब परमेश्वर के कलाम की इंपॉर्टेंस को मैं और आप समझेंगे, तब समझ पाएंगे कि कैसे मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में बद्धता और बंध के आगे बढ़ना है, ताकि मैं और आप अपने मसीही जीवन में सक्सेसफुली आगे बढ़ पाए। लेकिन हो रहा है ऐसा? हो रहा है 5 मिनट की बाइबल रीडिंग और 10 मिनट की बाइबल रीडिंग से ज्यादा मैं और आप नहीं कर पाते। अजीजों, आपको पता है व्यवस्था की बातें पुराने नियम में जो बताई गई है इसराइलियों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी? नए नियम में जो यीशु का प्यार और हिस्ट्री बुक ऑफ एक्ट्स जो हमें चेलों के कामों को बताती है और कलीसियाओं का स्थापित किया जाना, जो कलीसिया पौलुस ने किस रीति से स्थापित की, ये सब बातें बाइबल में इसलिए दी गई हैं ताकि हम देखें कि परमेश्वर का नेचर कैसा क्रोधित था, हमारे पापों को देखकर वो कितना दयालु हो गया और कैसे उसने अपने आप को बलिदान कर दिया और कैसे उसके स्वर्ग पर उठाए लिए जाने के बाद उसके चेलों ने काम किए और कैसे यीशु दोबारा लौटकर आएगा। ये सब बातें आपके पास कलाम में मौजूद है। आपको अगर मैं इंपॉर्टेंस बता दूं इसराइलियों के लिए परमेश्वर का वचन कितना इंपॉर्टेंट था, आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मूसा कह रहा है इसराइलियों को कि व्यवस्था की ये बातें अपने मन में गड़ा कर रखना, इन्हें चिन्हानी कर अपने बच्चों के हाथों पर बांध देना,
ये व्यवस्था की बातें इसराइलियों के लिए इसलिए जरूरी थी ताकि वो परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, देखिए क्या कहती है कि व्यवस्था, हे इसराइल, 4 आयत से पढ़ रहा हूं, द बुक ऑफ डिट्रोनमी चैप्टर 6 वर्स 4, हे इसराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से संपूर्ण मन से, सारे मन और सारे तन और सारी शक्तियों के साथ प्रेम करना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। इतनी इंपॉर्टेंट थी ये आज्ञाएं और व्यवस्था की बातें कि मूसा ने इसराइलियों को ये आज्ञा दे दी थी कि जो व्यवस्था की बातें हैं ये तुम ध्यान से फॉलो करना और इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। और आगे देखिए क्या कहता है, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, हर जगह व्यवस्था की बातों की चर्चा किया करना। लेकिन आज चलते उठते बैठते फिरते मेरे और आपके मुंह पर क्या रहता है, हमारी मुसीबतें, हमारे कलेश, हमारी बीमारियां, जबकि इसराइलियों के लिए क्या आज्ञा थी कि व्यवस्था की ये बातें चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते स्मरण, याद, सोचते और सिखाते रहना। और आज बाइबल की सारी बातें क्या मेरे और आपके जीवन में सोच में भी है? बिल्कुल नहीं। हमारी सोच में तो आने वाले समय की बातें हैं कि अब अगले समय में हमें क्या रोटी बनानी है, कौन सी सब्जी बनानी है, बच्चों को क्या खिलाना है, पति को कौन से टिफिन में क्या सब्जी पैक करके देनी है, हमें कहाँ घूमने जाना है, कहाँ शॉपिंग करनी है, कितना पैसा आएगा तो जाकर हम जहाँ सामान खरीद लाएंगे, यही चलता रहता ना दिमाग में। लेकिन इसराइलियों के लिए आज्ञा थी कि इनके विषय में लगातार अपने बच्चों को बताते रहना, इनके विषय में अपने बच्चों को लगातार समझाते रहना। और आगे क्या लिखा है, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांध लेना। ये वचन की इंपॉर्टेंस थी, ये व्यवस्था की बातों की इंपॉर्टेंस थी जो मूसा के द्वारा इसराइलियों को बताई गई थी कि इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांध लेना और ये तेरे आंखों के बीच टीके का काम दें और इन्हें अपने घर की चौखट को बाजुओं, घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना हो। इसराइलियों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात मूसा ने आज्ञा के रूप में सुनाई। और यीशु यूहन्ना 17:3 में कहता है कि अनंत जीवन को पाने के लिए यीशु को जानना जरूरी है। और यीशु प्रकाशित वाक्य 19:13 के अनुसार कौन है, वो मेमना जो परमेश्वर का वचन है। और यीशु ये कहकर गया है कि देखो मैं तुम्हें अपने तुम्हें एक सहायक दूंगा और वो सहायक पवित्र आत्मा है और उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई से सारी व्यवस्था की बातें और ये आत्मिक बातें मेरे और आपके मसीह जीवन को इम्प्रूव करने के लिए लिखी गई है। अजीजों वचन में बढ़िए, बाइबल को पढ़िए। आज कोई भी प्रचारक कुछ भी प्रचार करता है और हम उसके नीचे लिख देते हैं आमीन, बिना सोचे समझे कि क्या वो बिब्लिकल रेफरेंस है भी या नहीं। जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तब तक क्या आप उस रेफरेंस को चेक कर पाएंगे या नहीं। जब तक आप स्वयं बाइबल में स्ट्रांग नहीं होंगे आप कैसे परमेश्वर के लिए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, ये सवाल के साथ मैं आपको यहां छोड़ता हूं। और विश्वास करता हूं कि आप अपनी नींदों से जागेंगे, विश्वास करता हूं कि आपकी नींद खुलेगी कभी ना कभी और आप परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने पाएंगे और उसमें बने रहने पाएंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में मेरा सलाम कबूल होवे। जय यीशु मसीह की। आइए आराधना के इस क्रम को हम विराम की ओर लेकर चलते हैं। मैं आपके बीच में प्रार्थना करूंगा और फिर हम आराधना के इस क्रम को यहाँ पर विराम देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरों के परमेश्वर, जीवित खुदावन्द हुए खुदा, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि जो आज वचन बोया गया है 100 गुना फलदा, अच्छी भूमि पर गिरे ताकि फलवंत दाखलता की नाई अबा हम आपके पीछे चलने वाले हो सके। मसीहों के दिमागों को खोलना पिता ताकि ये आपके भय में होकर चल सके। यहाँ आए हर एक अजीज को आशीषित करना, बैठे हर एक अजीज को आशीषित करना, सब बातों में हमें तैयार करना कि हम आपके काम के लिए इस्तेमाल हों। आपके सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। रब की ओवे सना हमेशा, रब की ओवे सना, रब की ओवे सना हमेशा।
रब की ओवे सना, रब की ओवे मदा सराई, रब की ओवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की ओवे सना, हालेलुया, रब की ओवे सना हमेशा, रब की ओवे सना, रब के घर में ओवे सिताई, रब के घर में ओवे सिताई, उसकी हम तो सना हमेशा, रब की ओवे सना, हालेलुया, रब की ओवे सना हमेशा, रब की ओवे सना, जय के जोर से पुको नरसिंगे, जय के जोर से पुको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की ओवे सना, हालेलुया, रब की ओवे सना हमेशा, रब की ओवे सना, तारदार साजो पेरा छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की ओवे सना, हालेलुया, रब की ओवे सना हमेशा, रब की ओवे सना। आइए मेरे अजीजों, आराधना के इस क्रम को हम लोग प्रार्थना के साथ विराम देंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरों के परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यहाँ आए हुए सब लोगों के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें हर रीति से संभाला, धन्यवाद करते हैं कि हम आज के मुकद्दस दिन में आपके नाम की हम्द सना करने वाले हो सके, आने वाला हफ्ता होने दे प्रभु कि हम आपको भाने योग्य ठहरें, हमारी बातें, हमारे काम, हमारे चाल चलन आपके सन्मुख रहने योग्य ठहरें, यूहन्ना 3:30 के अनुसार हम घटें और सिर्फ आप और सिर्फ आप बढ़े। हर बात में आपके नाम को आशीषित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हम सबों के साथ अब तक होती रहे, आमेन आमेन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में हमारा सलाम कबूल होवे, जय यीशु मसीह।